उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा से पूर्व राजनीतिक पार्टियों खासकर कांग्रेस में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। सहारनपुर में कांग्रेस में फूट की खबरों के बीच कानपुर में पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। आज शहर के नवीन मार्केट स्थित सपा ग्रामीण कार्यालय में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने उनको फूलमालाओं से लाद दिया और उनको शुभकामनाएं दी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाते हुए सपा की जमकर तारीफ की। पूरे देश में कांग्रेस मोदी से लड़ रही है, गांधी परिवार लड़ रहा है, लेकिन विगत 32 सालों से कांग्रेस यूपी में आज की तारीख में योगी से लड़ने में सक्षम नहीं है और लगातार कभी समाजवादी पार्टी से कभी बसपा से गठबंधन करके उसको ताकत लेने का काम कर रही है यूपी में। तो जब सपा से बसपा से ताकत ले करके अपने लोगों को देने का काम कर रही है, ऐसे में हमने उचित समझा कि जब यूपी में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है और अब हमारी महासचिव जी ने कहा है कि मेरा टारगेट 22 है ही नहीं 24 है, तो योगी के रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत देने के लिए हमने ये जरूरी और उपयुक्त समय समझा। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक उठापटक होना वाजिब है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में खुद को साबित करने में जुटी कांग्रेस के लिए सहारनपुर के बाद कानपुर की ये खबर किसी जोरदार झटके से कम नहीं है। ऐसे में कांग्रेस खुद को किस तरह उभार पाएगी ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से दिल से यूपी चैनल के लिए दिवाकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।